लगभग 150 करोड़ की आबादी वाला भारत, जहां हर दूसरा शख्स 25 साल से कम उम्र का है, यानी जॉब्स के लिए तैयार, एक बड़ा आंकड़ा। उसी भारत देश का जो दुनिया में पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, फिर भी डिबेट सिर्फ दो चीजों में, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। भारत की एम्प्लॉयमेंट के बारे में ये फैक्ट आपको नहीं मालूम होगा कि स्विट्जरलैंड की जितनी टोटल पॉपुलेशन है, उससे कहीं ज्यादा तो भारत इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। और ये भी आपको मालूम होगा कि इंजीनियर्स की जॉब सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे दुनिया में हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में से एक जॉब मानी जाती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ ऐसी और कौन सी जॉब्स हैं जिन्हें इंडिया में हाईएस्ट पेइंग जॉब्स कहा जाता है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, मेडिकल प्रोफेशनल्स और मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स एंड डेटा साइंटिस्ट, जो कि इंजीनियर्स ही होते हैं लेकिन कुछ स्पेसिफिकेशंस के साथ। बात करें अगर एम्प्लॉयमेंट की, तो इंडिया की ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हजारों लोगों को हायर करती हैं। जैसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में लगभग 14 लाख एम्प्लॉयज हैं, तो वहीं इंडियन रेलवेज में लगभग 12 लाख, TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का नाम तो जरूर सुना होगा, यहाँ है टोटल 9.35 लाख एम्प्लॉयज, और पैरामिलिट्री में लगभग 8.90 लाख एम्प्लॉयज। और अगर बात करें इंडिया पोस्ट की, तो वहाँ भी कम नहीं है, 4.66 लाख एम्प्लॉयज। सवाल ये है कि जब इतनी सारी जॉब्स हैं, इतना एम्प्लॉयमेंट है, इतनी हायरिंग हो रही है, तो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी का दर दिन पर दिन क्यों बढ़ता जा रहा है? मई 2023 में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.7% था, हाँ, जो कि अप्रैल के महीने से थोड़ा कम था, क्योंकि अप्रैल में ये 8.5% था। पॉपुलेशन, गिरती इकोनॉमी, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और गवर्नमेंट जॉब्स का ऑब्सेशन, ये सब तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट के जिम्मेदार हैं। और ये बात आपको बिल्कुल नहीं मालूम होगी कि जब से इंडिया आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक ऐसी कोई भी सरकार नहीं आई सत्ता में जिसने अनएम्प्लॉयमेंट का इशू जड़ से खत्म कर दिया हो। अब अगर दूसरी तरफ देखें तो कई लोग AI के आने पर काफी खुशी मना रहे हैं और कई लोग हैं बेहद परेशान। AI, अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल डेटा एनालिसिस से लेके कोडिंग तक, कॉपी राइटिंग से लेके ट्रांसलेशन तक सब कर देता है। अगर आसान भाषा में बताऊं तो एक ऐसा व्यक्ति जो रोबोट है पर आपके सारे काम कर सकता है। तो बस अब छोटी से लेकर बड़ी कंपनीज अपनी सारी जॉब्स को AI से रिप्लेस कर रही हैं। और कुछ तो ऐसी जॉब्स हैं जो बताया जा रहा है कि AI जल्द ही रिप्लेस करने वाला है, जैसे कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब डिलीवरी स्टेटस, पेमेंट कॉन्फर्मेशन, ऑर्डर कैंसिलेशन या रिफंड स्टेटस, सब AI हैंडल करेगा। दूसरे नंबर पर रिसेप्शन रिलेटेड जॉब्स, कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अपने रिसेप्शन में रोबोट्स को एम्प्लॉय कर रही हैं। इनफैक्ट कॉल्स भी अब AI ही उठा रहा है। AI के पास ना कुछ स्पेशल पावर्स हैं, वो डेटा को कलेक्ट कर सकता है, डेटा को स्टोर भी कर सकता है और डेटा को एनालाइज भी कर सकता है, वो भी एकदम बारीक तरीके से। तो फिर क्या, अब अकाउंटेंट जॉब्स भी बोला जा रहा है कि AI के पास ही जाएंगी। और अब गए वो दिन जब घर घर जाकर सेल्स या एडवर्टाइजमेंट्स करनी पड़ती थी, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कस्टम ऑनलाइन कंटेंट बनाकर बेच रहा है, और वो भी चंद सेकंड्स में। इसीलिए तो AI के आने के साथ साथ बेरोजगारी का डर भी साथ आया है। पर सवाल ये उठता है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट और बढ़ जाएगा या फिर AI के आने से एम्प्लॉयमेंट पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों आपको पता है इंडिया के इतिहास में ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी जो एम्प्लॉयड लोगों के अंदर काफी डर का माहौल बना के गई थी, जैसे 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ये तब की बात है जब पूरी दुनिया एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, करोड़ों लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे थे और ये सिचुएशन पूरे एक साल तक चलती नजर आई थी। और दूसरा 2019 का COVID-19, जिससे देश में हाहाकार मच गया था। IT सेक्टर्स के ऑफिसेस से लेकर लेबर सेक्टर ने भी स्ट्रगल किया था। तो बस यही डिबेट आपके घर, मेरे घर, टीवी पर, रेडियो में, न्यूज़पेपर पर चलती रहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है या एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए आपका आज ये डाउट भी क्लियर कर देते हैं। देश में इस टाइम एम्प्लॉयमेंट का रेट अगस्त के महीने में प्रिडिक्ट किया जा रहा है 91.7%, यानी लगभग 91% लोग एम्प्लॉयड हैं और कुछ ही परसेंट लोग अनएम्प्लॉयड हैं। फिर भी देश हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ जगता है कि शायद आज बढ़िया जॉब्स और बढ़िया एम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिलेगा। और अगर आपको भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो या कोई ऐसी बात पता लगी हो जो आपको कहीं और नहीं पता लगी है, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और इनफैक्ट ये भी बताना कि आपको अगली वीडियो कौन से भारत के अहम मुद्दे पर चाहिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को क्लिक करके मेरी अगली वीडियो का वेट कीजिएगा।